वेलकम बैक। एक दफा फिर आपके साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर और एक बहुत ही खास बात की तरफ जाने लगे हैं हम। अब एक हसास पहलू है, बहुत बात हो रही है आजकल मीडिया पर, जिस चैनल को आप ऑन करते हैं वहाँ यही बात हो रही है कि आया ये एक साजिश है, और फिर मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आती है। हम भी इस वक्त एक सवाल तो ये करेंगे, लेकिन फिर इससे आगे कुछ बढ़ेंगे और मज़ीद हकायक कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के थ्रू आपके सामने लेकर आएँ। अभी अलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने ये बात की कि ये वाकई एक साजिश है। मुआशरती रवैयों पर अभी रामेश जयपाल ने बात की, लेकिन इसी पर हम इस वक्त चाहेंगे कि हम इब्राहिम अजीम डैनल साहब से भी बात करें कि क्या, मैं भी वही सवाल करने जा रही हूँ कि वाकई ये एक साजिश है या मुआशरती रवैया है। बात इस तरह से है कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये बड़ा साइंटिफिक दौर है, सही, और जो साजिश करने वाले लोग हैं दे आर वेरी इनटू टैक्टिक्स। अच्छा, वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किस चीज का कितना फायदा उठाया जा सकता है। बिलाशक साजिश ये भी होती है कि कोई शख्स एक साजिश तैयार करता है और वो जाकर उसे अमलीजामा पहना देता है। साजिश ये भी होती है कि साजिश करने वाला वो अवाम की रगों से वाकिफ होता है, वो दुखती रग से वाकिफ होता है कि कौन सी रग दबाऊंगा तो क्या रिएक्शन होगा। क्या बात की है, बड़ी ऐसी बात है गहरी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें अवाम की दुखती रग का, अवाम के जज्बात का, उनके एहसास का भरपूर तौर से फायदा उठाया गया है। एक साजिश अभी तक हो रही थी बारूद के साथ, हथियारों के साथ, और एक ये वो साजिश है जिसमें इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है ना, हर चीज में तब्दीली आ रही है। हम असल में माजी की तरफ जा रहे हैं, माजी में जंगें इसी तरह लड़ी जाती थी। हम देखते हैं कि उन्होंने इंसान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। साजिश इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ये है। आज अगर लाहौर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कहें कि जी हम 50 बंदे इकट्ठे होके हम चाहे अमन के लिए ही हम चलना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि तकरीबन 5-7 मिनट में ही बहुत सी ऐसे इदारे आ जाएंगे, बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी के लोग आ जाएंगे और वो हमें रोक देंगे, उनकी नजर होगी हम यहीं से। अगर तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने सैकड़ों हजारों लोग वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, काफी देर तक वहां पर रहे, गुफ्तगुशनीद का सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद आला तरीन ओहदेदारों की मौजूदगी में एक ऐसा बड़ा सानहा हो गया जिस पर आज हम सब के सर जो है वो शर्म से झुके हुए हैं। सो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी साजिश है जिसमें अवामी रद्द अमल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, अवामी रवैयों को बड़ी बेहतरीन तरीके से उन साजिशी अनासर ने उनका बेहतरीन फायदा उठाया है अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए। अच्छा इब्राहिम डैनल साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगु हो रही है, एक कॉलर को भी हम साथ लेते हैं, और साथ में चाहूंगी मैं रामेश जयपाल का भी इसके ऊपर मौकफ जरूर जाने। हम एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारे साथ सलीम इकबाल साहब है। जी जी सलीम इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे आप और क्या पूछना चाहेंगे? तो मैं आपके टीवी चैनल की हिसाब से भी कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मीडिया के जो लोग हैं उनसे कि हमें लफ्ज़ एसआई नहीं बल्कि मसीही लिखा और पुकारा जाए। मसीही, सही, मसीहत जब हम इसको बोले, यानी कि क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सलीम इकबाल साहब, वेरी वेल सेड। आज इस प्लेटफॉर्म से आपका ये मैसेज भी हम चाहेंगे जरूर लोगों तक पहुंचाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी एक लफ्ज़ की वजह से किसी इंसान की जो फीलिंग्स हैं या जो भी उनकी अटैचमेंट एक